कार्तिक का महीना, दामोदर मास और ये भगवान की अविरल शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान की कथा कहती है। देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दत्त के मंदिर में बैठने की जगह होती है, दुनिया के सारे मंदिरों में बैठने की जगह होती है, पर शंकर के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। चारों तरफ इतना पानी पड़ा होता है कि अपनी साड़ी बचाकर और कपड़े बचाकर सावधानी से बैठना पड़ता है, और दूसरा व्यक्ति पानी शिव को चढ़ाने की जगह तुम पे चढ़ा के चले जाए, उससे पहले निकल कर अपने घर चले जा। शिव कथा कह रही है, अपने समय का सदुपयोग करो। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख अगर कहीं है, 5 दिन 7 दिन जो आप कथा के पंडाल में बैठते हो, अपनी मस्ती में कथा का रसतत्व ग्रहण करते हो, दर्शन करते हो, चले जाते हो, वो सुख है। कर्म करो, परिवार संभालो, नाते रिश्तों के बीच में रहो, कुटुंब कबीले के बीच में रहो, सबके साथ रहो, पूरे परिवार को संभाल कर चलो, पर उसके साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो, बच्चों में संस्कार देते चलो, भगवान की भक्ति प्रदान करते चलो। आप छोटे छोटे बच्चों को अगर मंदिर तक भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भेज रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को धर्म की ओर भेज रहे हो, सवेरे सवेरे से चिल्लाकर हर माँ अपने बच्चे से कहती है, जा दूध की थैली लेके आ, जा पानी भर के लेके आ, जा सब्जी लेके आ, जा तरकारी भाजी लेकर आ, ऐसे सवेरे उठकर चिल्लाकर तुम्हें कहना चाहिए, जा शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाकर जाओ, शिव के दरवाजे तक जाओ, शंकर की चौखट तक जाओ, उसके द्वार तक जाओ, उसके दरवाजे तक अगर तुम चले गए, जल चढ़ाकर अगर आ गए, तो वो भी एक ना एक दिन तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा, इसलिए तुम उसकी चौखट तक जाते रहो, उसके दरवाजे तक जाते रहो। खूब पढ़ाओ बच्चों, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है उससे दुगना बच्चों को पढ़ाओ, और बच्चों से भी कहेंगे तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा तुम विद्या का अध्ययन करो, अपनी मेहनत करो, अपना कर्म करो, पर कर्म के साथ में धर्म को भी साथ लेकर चलो, मेहनत करते रहो और बाबा का गुणगान भी करते रहो कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे विद्या अध्ययन में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे कॉम्पिटिशन एग्जाम में मैं अकेला नहीं हूं। भरचक मेहनत कर, पूरा कर्म कर, और महादेव को अपने हृदय में बिठा कर रख। एक जेब में जैसे पैसा और मोबाइल रहता है, तो दूसरी जेब में महादेव को लेकर चल, अपने साथ अपने दिल में अगर शिव है तो तुझे डूबने नहीं देगा। ये उसको बल दीजिए, हम बच्चों को बल नहीं देते। कई माताएं कह देती है, हमारे बच्चे भी छोटे हैं गुरुजी, कोई मंदिर जाएंगे जल चढ़ाएंगे, छोटे बच्चे हैं ये, कोई मंदिर जाएंगे। हम कहते हैं बांस बांबू जितना गीला होता है उसको नवाओगे तो डलिया बन जाएगी, बांबू को जितना नवाओगे उससे खिलौने बन जाएंगे, बांबू को जितना नवाओगे वो नब जाएगा, बांबू बांस अगर सूख गया तो उसको नवाओगे तो वो नबेगा नहीं। बांस को नवाना है, जब तक वो गीला है तब तक नबा, बांबू को नबाना है जब तक वो गीला है तब तक नबा, सूख गया किसी काम का। संस्कार दीजिए बच्चों को, जिससे बच्चे आगे की ओर बढ़े। संत सज्जन और सती, ये तीन ऐसे होते हैं, एक संत, दूसरा सज्जन पुरुष जिसके हृदय में कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई बेईमानी नहीं, कोई प्रपंच नहीं, सज्जन, और तीसरे नंबर पर है सती, पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली एक स्त्री जो पति को परमेश्वर मानकर चलती है। मांग कौन भरता है, जम के बोलो जदा,
मांग कौन भरता है? आवाज नहीं आई मेरे को, जम के बोलो जरा। मांग मांग, पहली बार जब मांग भराती है पति भरता है कि पड़ोसन भर देती है? अरे जम के तो बोलो, कौन भरता है? पति भरता है। पहली बार मांग किसने भरी? पति ने। क्यों भरी? वो वहां पर बैठे हुए पंडित जी जो तुम्हारी शादी करा रहे थे, ब्याह करा रहे थे, उनसे पूछना था कि ये मांग में सिंदूर पति भर रहा है, इसका मतलब क्या होता है? इसका क्या मतलब है मांग भरने का? क्या मतलब इसका? तुम्हें उन पंडित जी से पूछना था कि मांग में सिंदूर पति भर रहा है, पहली बार मांग पति भर रहा है, तो मांग भरने का मतलब क्या है? मांग कौन भरता है? पति। एक स्त्री, एक नारी चाहे कितनी भी नौकरी कर ले, दुनिया भर में कितना भी व्यापार कर ले, कितना भी काम कर ले, कितनी भी कमाई कर कर आ जाए, पर उसकी मांग की पूर्ति तो उसका पति ही करता है, वो पहले दिन से आखिरी तक। मांग भरना मतलब मांग की पूर्ति करना। तुझे दूसरे के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, तुझे दूसरी जगह पर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी मांग भरी है, मांग जब पहली बार मैंने भरी है तो आखिरी तक तू जिंदा है तब तक मैं तेरी मांग की पूर्ति करता रहूंगा, तेरी मांग भरते रहूंगा। तो चिंता मत करना, थोड़ी दुख, थोड़ी तकलीफ, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आ सकता है, थोड़ी गरीबी जीवन में आ सकती है, थोड़ा सुख जीवन में आ सकता है, थोड़ा कष्ट जीवन में आ सकता है। कष्ट आए तो यह मत सोचना कि मांग कोई और भर देगा, ना, मांग मैंने भरी है, मैं तेरा पति हूं, जिंदगी में कैसा भी दुख आएगा मांग में ही भरूंगा, तुझे साथ लेकर चलूंगा और फिर अपन पार उतर जाएंगे, अपने को टेंशन नहीं लेना। मांग भरने वाला पति है, मांग पूरी करने वाला पति है। आप कितना भी व्यर्थ विचार करते में पड़ जाओ, पूर्ति करना। जब हम जन्म लेते हैं हमको नहीं मालूम रहता कि हमारे माता पिता कौन। जन्म लेने वाला बच्चा जन्म लेता है, बाद में उसको माता पिता का पता चलता है, पहले नहीं पता चलता। जन्म के समय पर तुम्हारे घर में गुलाब जामुन रखी है, पर जन्म लिया बच्चा गुलाब जामुन नहीं खाता। नासिक के बच्चे खाते हो तो बात दूसरी, वो बात दूसरी। जन्म लिया बच्चा तुम्हारे घर में बेसन कितना रखा है, गुलाब जामुन कितनी रखी है, मैदा कितना रखा है, रवा कितना रखा है, शक्कर कितनी रखी, गुड़ कितना रखा, घी कितना रखा। जन्म लिया बच्चा कुछ नहीं खाता, केवल जन्म लिया बच्चे के लिए जन्म के बाद सबसे जरूरी अगर कुछ होता है तो वो माँ का दूध होता है, माता का दूध। तुम्हारे यहाँ जन्म लिए बच्चे लड्डू पेड़ा खाए तो बात दूसरी। जन्म लिए बच्चे के लिए जन्म के बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है, घर में ढेर सारा सामान पड़ा होता है, पर बच्चे के लिए वो कीमती से कीमती सामान भी ठोकर है, उसके लिए कुछ मतलब नहीं, उसके लिए माँ का दूध कीमती है। जैसे जन्म लिए बच्चे के लिए दुनिया की सारी सामग्री रखी है पर केवल माता का दूध उसके लिए आहार है, उसी तरह मरने वाले व्यक्ति के प्राण छूट रहे हों और उसके रिश्तेदार उसको आके हीरे की अंगूठी पहनाए, जीजा जी तुम चिंता मत करो, लो हीरे की अंगूठी पहनो जीजा जी। वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ ऑक्सीजन खींच रहा और ये उसको गुलाब जामुन रसगुल्ला इमरती भजिया पकौड़ा खिलाएं तो वो खाएगा। जन्म लिए बच्चे को माँ का दूध जरूरी है और मरने वाले व्यक्ति के लिए शिव का नाम जरूरी है। तुम्हारे धन दौलत गुलाब जामुन पेड़ा जलेबी इमरती से कोई मतलब? हमारा तो निवेदन है आप
किसी बीमार व्यक्ति को देखने के लिए हॉस्पिटल में जाएं, कुछ लेकर जाएं ना जाएं, पर हॉस्पिटल में पहुंचकर उस व्यक्ति से जब मिलें तो दो बार या पांच बार भले मन में बोल लो पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा इसको जल्दी ठीक कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा इसको स्वस्थ कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बाबा इसको बड़ी बीमारी हो गई आप हल कर देना। अपना करा हुआ थोड़ा सा भजन उस जीव को दीजिए। हम किसी सच्चे गुरु के सामने क्यों जाते हैं, हम किसी संत के सामने क्यों जाते हैं, हम किसी भक्त के सामने क्यों जाते हैं? क्योंकि उसकी दृष्टि हम पर पड़ जाए, केवल मात्र दृष्टि पड़ गई तो हमारा कल्याण हो जाए। जन्म के समय पर ढेरों सामान घर में होगा पर माता का दूध जरूरी है, मरते समय लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारी होगी, घर में गाड़ी बंगला होगा पर मरते समय भगवान का नाम जरूरी है, बस यही हमारी जिंदगी, बस ये। जन्म के समय पर माता का दूध जरूरी है और मरने पर भगवान का, करोड़ों की कीमत वाला ये शरीर परमात्मा ने दिया है आपको और हमको। सुंदरता पर मत जाना किसी की, सारे राक्षस भगवान नारायण मोहिनी स्वरूप धारण कर आ गए थे, उनकी सुंदरता के पीछे आसक्त हो गए। सावधान इंडिया, सुंदरता के पीछे मत जाना, बिल्कुल सुंदरता के पीछे मत जाना। मोहिनी स्वरूप धारण कर भगवान आए और रात असुरों ने भगवान की सुंदरता देख ली, कितनी सुंदर नारी, कितनी सुंदर स्त्री, फंस गए सुंदरता के चक्कर। सुंदरता के चक्कर में फंस गए। और ऐसी सुंदरता के चक्कर में फंसे कि वो अमृत का जो कलश था वो भूल गए और मोहिनी के चक्कर में पड़ गए। मोहिनी ने कहा कि मैं अमृत बांटूंगी, तुम इधर बैठ जा, तुम इधर बैठ। वैसे तो तुम सब समझदार हो, सुंदरता मतलब दिखावा, किसी दिखावे की ओर हमको नहीं जाना, और अमृत मतलब ज्ञान, उस ज्ञान को हमें लेना है। कई बहुएं दिखने की घनी सुंदर होए और मालूम पड़े 24 घंटा मुंडा से मेंढक जड़े, 24 घंटा कई मतलब, सास भी बोलती हैं फिर बहू बहुत अच्छी है, अच्छी है, घर संभाल ली, काम कर लिया, बढ़िया है, सब अच्छा है हमारी बहू में, बहुएं कह देती है हमारी सास बहुत अच्छी है, सब बढ़िया है, बस एक कमी है, सुंदर दिखी, सुंदरता देखी, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, बड़ी सुंदर, सुंदरता का करना क्या है भाई? सुंदरता के चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी नरक बन जाएगी, जैसे असुरों ने मोहिनी स्वरूप को देखा और उस सुंदरता में फंस गए तो अमृत छूट गया। उसी तरह आप दुनिया को देखने में लग गए, संसार की चमक दमक में रह गए, दुनिया की चमक धमक में आप रह गए तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ये चमक, ये दमक, फुल वन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। हम परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करें। हम उस ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करें। तारकासुर असुर था, राक्षस था, तारकासुर का अंत षडानंद कार्तिकेय के द्वारा होना था। असुर है, राक्षस है, वर मांगा था उसने, अगर मरूंगा
पहले तो मुझे अमर कर दो, तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं हो सकते, तो फिर वर दीजिए, क्या वर? मरूं तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। अच्छा, एक एक राक्षस को देख लो तुम, इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। जितने जितने राक्षस थे इनकी डिमांड बड़ी सुंदर थी। अपन यहीं से उठाओ ना, पंचवटी से। रावण की बहन आई थी, आते से राम जी से कह रही थी, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं हो सकता, मेरे जैसी नारी नहीं हो सकती। लक्ष्मण जी मुंडी घुमा के देखे, ऐसी कौन सी हीरोइन आई है, ऐसी कौन है? तुम सम पुरुष न मो सम नारी। लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी समझ गए ये तुम सम पुरुष न मो सम नारी, और रावण के पूरे कुल पे चला देगी आरी, ये कोई साधारण नारी? अभी रुक जा। आते से कहा उसने, एक एक असुर को देखो, एक एक राक्षस को, उसने डिमांड कितनी सुंदर करी। डिमांड देखिए, उसने सूपनखा ने आते से कहा, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं होगा, मेरे जैसी नारी नहीं होगी, क्या चाहती हो? बस मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो परमात्मा से सीधे जाकर कहती है, तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं। दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान के सामने जाकर कहती है कि तुम मेरे हो जाओ और मैं तुम्हारी हो जाऊं, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूं, तुम मेरे पति बन जाओ। भगवान से कह रही है, किसी दूसरे से नहीं कह रही है। आज की होती तो ना जाने किससे किया थी, जो जरा सा गाड़ी में पेट्रोल डलवा दे, जिनके पास खुद की गाड़ी नहीं है, सुधरने के लिए आई है, सुधरने के लिए गाड़ी आई, और मालूम पड़े बस 50 रुपए का पेट्रोल डलवा लिया, बुड़ बुड़ करके 25 रुपए की चाउमीन खिला दी, इसको इतना पसंद आ गया गाड़ी सुधारने वाला। हम किसी को कहेंगे नहीं, बस तुम समझ जाओ। भगवान से प्रार्थना करना, मेरा विवाह जहां हो मेरे माता पिता की मर्जी से हो, और संस्कार घर में मेरा विवाह हो, संस्कार सनातन धर्म में मेरा विवाह हो। मैं जिस धर्म की हूं, मैं शंकर को जल चढ़ाती हूं, शिव को एक लोटा पानी चढ़ाती हूं, मेरा पति भी ऐसा मिलना चाहिए जो शंकर के मंदिर तक मुझे लेकर जाए, मुझे छोड़कर आए, दर्शन करा कर लाए, गोमती गोदावरी का स्नान कराते लाए, मेरा पति भी मुझे ऐसा। सुंदरता पर मत जाना, मोहिनी स्वरूप की सुंदरता। राक्षस फंस गए, असुर फंस गए। कितनी सुंदर बात उस सूपनखा ने राम जी से कही कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, में राम जी को अपना बनाना चाहती हूँ। किसी दूसरे को वो अपना बनाने नहीं गई, बनाने गई तो राम को अपना बनाने गई। हम सबसे अगर ज़्यादा ज्ञानवान थी तो सूपनखा थी, जो भगवान को अपना बना रही है। हम दुनिया को अपना बनाते हैं पर भगवान को अपना नहीं बनाते, पर सूपनखा भगवान को अपना बना रही है। वो विद्वान है, ज्ञानवान। एक एक राक्षसों की डिमांड देखिए। तारकासुर मांग रहे हैं कि शंकर के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्या चाहते हैं? शिव जी शादी करें, उनके बच्चे हो, ये तारकासुर जैसा सुर चाहता है। क्या मांगा कंस ने? देवकी कष्टम पुत्र मृत्यु का कारण बना। देवकी कष्टम पुत्र, क्या मांगा रावण ने? भगवान स्वयं संसार में सांसारिक मनुष्य बनकर आए, प्राण छूटे। जितने राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, ना 12 महीने में मरू। जगत के कल्याण के लिए 12 महीने से अधिक, एक अधिक कर दिया, अधिक मास ला दिया, किसी रूप में ना मरूं। तो नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जरा विचार करिए कि हमारे हित के लिए राक्षसों ने उनकी मृत्यु भी मांगी, तो अपने संसार के हित के लिए मांगी, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए मांग। और हम क्या मांगते हैं? हम भगवान कृपा करना, घर देना, बंगला देना, जमीन देना, जायदाद देना,
भगवान मेरी बेटी को पास कर देना, मेरे बेटे को ये कर देना, मेरी बहू को छोरा छोरी दे देना, ऐसा कर देना। हमने आज तक भगवान के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, बोले बाबा चलो, हमने आज तक बाबा के मंदिर में जाकर ये नहीं कहा, बाबा बहुत दिन से बैठे हो, त्र्यंबकेश्वर बाबा तुम यहां बहुत दिन से बैठे हो, कपालेश्वर बाबा बहुत दिन से बैठे हो, तुम्हारा मन नहीं करता घूमने जाने का, चलो अब की बार मैं लेकर चलता हूं तुमको सीहोर, थोड़े दिन वहीं रहेंगे, आनंद करेंगे, फिर आ जाए। चलो, हम जितनी जगह दर्शन करने के लिए जाते हैं बाबा के, हम उतनी जगह बाबा को निमंत्रण देकर आते हैं, बाबा बहुत दिन हो गए, त्र्यंबक बाबा कब आ रहे हो, जल्दी आ जाओ, माँ पार्वती जी को साथ लेकर आना, गणेश जी को, रिद्धि सिद्धि को लेकर आना, पूरे खानदान समेत आना, अकेले मत आना, आप आओगे तो आनंद होगा, थोड़ा मालपुआ रबड़ी पूड़ी सब बनेगा, सब खाएंगे, और जब तक बाबा नहीं आता तो कौन सी पूड़ी मालपुआ बनता है, वो आता है तो बनता है, वो कृपा करता है तो घर में पकवान बनता है, वो कृपा करता है तो आतिशबाजी होती है, वो कृपा करता है तो जमीन जायदाद ली जाती है, वो कृपा करता है तो घर में बहू बेटे आते हैं, वो कृपा करता है तो बेटी दामाद आते हैं, वो कृपा करता है तो पोता पोती नाती पंती होते हैं, वो करुणा करता, वो आता है तो खुशी आती है। यहां पर भी आप कथा में आए हो ना, जितने लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हो, बाबा से कहकर जाना, आज प्रदोष बाबा का भारी कितना, हम तो फिर कहेंगे नासिक वाले, तुमने कजन ना जाने कितने कितनी गोदावरी की डुबकी लगाई होगी रे, सारा पुण्य इकट्ठा करके बैठे होगे और कथा का आनंद ले रहे हो, जरा विचार करो, दामोदर मास कार्तिक का महीना और सुंदर पचवीगन का समय, देव दीपावली कथा, इधर एकादशी बीच में पड़ गई, आंवला नवमी पड़ गई और मालूम पड़े प्रदोष पड़ गई, सारी तिथि भी अच्छे से अच्छी ले ली तुमने, कथा का भी तत्व तुम ग्रहण कर रहे हो और बाबा से प्रार्थना, तुम कहकर जाना, बाबा मेरी झोली में इतना धन देना, इतनी संपदा देना, मैं भी जिंदगी में एक बार शिव महापुराण की कथा करवाऊं, आप मेरे गांव आओ, आप मेरे नगर आओ, आप मेरे गांव आओ, आप मेरे खेड़े में आओ, बाबा आना पड़ेगा कुबेरेश्वर महादेव, आना पड़ेगा कुबेर भंडारी तेरे को, आना पड़ेगा, तू मुझे खजाना लुटाने के लिए वहां पहुंचेगा। तारकासुर देखा, शिव जी के लिए वर मांग लिया कि मेरे प्राण मेरे, जब प्राण छूटे मेरे, अगर भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे, महिषासुर की बहन ने कौन सा वर मांगा था, आप लोगों ने कथा सुनी थी ना, महिषासुर की बहन महिषी ने वर मांगा था कि शंकर और विष्णु के संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे, कौन हो गए थे, जम के बोलो, अय्यप्पा स्वामी। अब किसने वर मांग लिया, तारकासुर ने, मेरे प्राण छूटे भगवान शंकर के पुत्र द्वारा, जब विष्णु और शिव के पुत्र द्वारा उसके प्राण छूटे तो अय्यप्पा स्वामी प्रकट हुए और महिषासुर की धर्म महिषासुर की बहन महिषी के प्राण हरे। अब तारकासुर के लिए शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं, तारकासुर ने उपद्रव मचा दिया, हाहाकार सब दूर मच गया, जब हाहाकार मचा तब करे तो करे, देवता एकाग्रित हुए, शिव जी तो समाधि में लीन थे, क्यों, क्योंकि सती मैया जलकर भस्म हो चुकी थी, तो बहुत ज्यादा मन ठीक नहीं था, साथ में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, गुरुजी हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, शंकर भगवान देवता है ना, हाँ, देवाधिदेव महादेव है ना, हाँ, तो अपनी धर्म पत्नी सती के लिए इतने क्यों रोए, हमने कहा मृत्यु लोक में रहता है मेरा देवाधिदेव महादेव, पत्नी का आदर करना सम्मान करना सारे देवताओं में अगर किसी से सीखना है तो देवाधिदेव महादेव से सीखो, जो पत्नी का आदर करना सिखाते हैं, पत्नी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो देवाधिदेव महादेव सिखाते हैं। त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने गए हो, कौन कौन गया जरा हाथ उठाओ, गए हो, ठीक है रखो, शंकर भगवान कहां पर हैं,
जमीन पर, बोलो है कि नहीं। पार्वती जी कहां पर है, जम के बोलो जरा, ऊपर जाओ। कपालेश्वर का दर्शन करने गए हो, शंकर भगवान कहां है, जमीन पर। पार्वती जी कहां है, ऊपर। कभी नारायण लक्ष्मी जी के दर्शन करे होंगे तो लक्ष्मी जी कहां रहती हैं, नारायण के चरण के पास। ब्रह्माणी कहां रहती है, ब्रह्मा जी के पास में। पर केवल देव अधिदेव महादेव एक ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी को भी ऊंचे स्थान पर रखते हैं कि तू ऊंची है। नारी का आदर करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे शंकर सिखाते हैं। स्त्री का सम्मान करना अगर कोई सिखाते हैं तो मेरे देवाधिदेव महादेव सिखाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है, स्त्री का सत्कार क्या होता है, नारी के एक भाव जो प्रकटता है वो शिव समझाते हैं, वो शंकर है। हम शिव जी से सीखें, हम देवाधिदेव महादेव से सीखें कि नारी का आदर, नारी का सम्मान, नारी का सत्कार क्या होता है। पत्नी मर गई, धर्म पत्नी चली गई, माता सती चली गई, शिव जी समाधि में लीन हो गए, तप साधना में लीन। आज के जमाने में पत्नी मर जाए तो पति दिमाग लगाना चालू कर देता, दूसरी किससे करूं। पंद्रह पंद्रह, सोलह सोलह, बीस बीस साल के बच्चे हो गए, लड़कियां कॉलेज पढ़ रही और इसको शादी करने की डाई लगा लगा के। सब काला कर पुरा के और शादी की तैयारी कर रहा है, कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग कर लो उससे कोई फर्क पड़ रहा है। वो विचार कर रहा है कि मेरे को शादी करना, बेटी कॉलेज पढ़ रही है, बेटा कॉलेज पढ़ रहा है, उसको शादी। पत्नी चली गई, भगवान शंकर विवाह करने के लिए आतुर नहीं, भगवान शंकर तप साधना में डूब गए। यह हमारा शास्त्र कहता है, धर्म पत्नी के लिए शिव कितना आदर रखते होंगे, सती के लिए कि नेत्र बंद करके बैठ गए। हजारों वर्ष निकल गए, शिव की समाधि नहीं टूटी, हजारों वर्ष, उठना ही नहीं चाहते, क्या करेंगे। और ये रोज पत्नी चले जाए तो मोबाइल पर ब्याहशादी.com निकाले। हाँ ये ठीक है, 68 साल की तो मैं भी तो 76 का, ठीक। शिव कृपा शंकर की उदारता कहती है, मेरे शिव जैसा माता का, स्त्री का, महिला का आदर करने वाला कोई दूसरा नहीं। शिव जो आदर करते हैं स्त्री का, वैसा आदर कोई नहीं कर सकता। इसलिए शंकर भगवान स्त्री का आदर करते हैं, इसलिए केवल एक शिव जी की आरती ऐसी होती है जिसमें सारे देवताओं का गुणगान आ जाता है, सब एक उसी में समाहित हो गए, जो आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, सत्कार करने वाला, उसी में सब समाहित। शिव जी के नेत्र नहीं खुले, भेजा कामदेव को, भगवान शंकर का नेत्र खुल गया, कामदेव को समाधि थोड़ी, कामदेव को देखकर नेत्र क्यों खोले। शंकर भगवान सती के पति हैं, कामदेव रति का पति है, शंकर भगवान का साडू भाई है, शंकर जी की पत्नी की बहन का पति। रिश्तेदार आए तो उठकर मिलना चाहिए, कमरे में पड़े हो और तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर के हॉल में बैठे हैं, तुम टीवी देख रहे हो, मोबाइल देख रहे हो और रिश्तेदार आकर घर में बैठे हैं, तुम उनका आदर नहीं कर रहे। एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम्हारा भी कोई आदर नहीं करेगा।
इसलिए रिश्तेदार आए अपने कमरे से बाहर निकल कर आवादर करो। सास के रिश्तेदार आए तो चार बहुएं हैं तो चारों बहुओं को आना चाहिए। ससुर के रिश्तेदार आए चारों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। बड़ी बहू के रिश्तेदार आए तो तीनों बहुओं को निकल कर आना चाहिए। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बड़ी बहुओं को निकल कर बाहर आना चाहिए। घर में किसी के भी रिश्तेदार आए, घर का प्रत्येक व्यक्ति उनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने के लिए बाहर आना चाहिए। रिश्तेदार किसी के भी, आदर सबका होना चाहिए। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है। छोटी बहू के रिश्तेदार आए तो बिचारी छोटी सबसे ज्यादा काम करे, बड़ी बहू की आए तो बड़ी बहू काम करेगी, मंजिली आई तो मंजिली काम करेगी। जिस बहू के रिश्तेदार आएंगे पूरण टोली वही बनाएगी, फिर बाकी की बहुएं क्या करेंगी, अमठी बनाएंगी और मिर्ची का ठेसा। पुरन कोली में टाइम लगता है, आमठी और ठेसा में, अरे बोलो तेरी जीजियां, टाइम लगता है। आई बनाए गए, घर में कोई आए, भगवान शंकर के रिश्तेदार आ गए, कामदेव को भेजा समाधि तोड़ने के लिए। शिवजी नेत्र खोल लिए, क्योंकि मेरे धर्म पत्नी की बहन का पति आया। मेरी धर्म पत्नी की बहन का पति आए। शिव जी मेरे ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी सामने खड़े, कामदेव जल कर भस्म हो गया, रति रोने लगी। मेरा पति, शिव जी कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हारा पति अनंग वैश्यधारी मिलेगा, भगवान के पौत्र के रूप में तुम्हारा पति प्राप्त हो। क्यों चिंता कर, पुत्र के इन्होंने तो नेत्र खोले, पर दुनिया के लोगों को थोड़ा सा शंकर भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो गया। नारद जी ने जाकर भगवान विष्णु से कह दिया कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करे। मैंने विजय प्राप्त करी पर शंकर भगवान कामदेव पर विजय प्राप्त नहीं करे। भगवान विष्णु के नयन में जल भर गया, क्योंकि शंकर जी की निंदा करने वाला और सुनने वाला महापापी होता है। किसी सतगुरु की अगर कोई निंदा करे, कोई संत की कोई निंदा करे, कोई भगवत प्रेमी शंकर का कोई भक्त हो और उसकी कोई निंदा करे, तो उस समय पर अपने कानों को बंद कर लो और उठ के चल दो। अगर कोई बोल रहा है तो जवाब जरूर दो, उसको उत्तर जरूर दो कि तेरा क्या बिगाड़ा जो तू निंदा करने में लगा है, निंदा करने में लगी है। कभी तू उससे मिला, कभी तू उससे मिली, क्यों निंदा करते। किसी शिव भक्त की निंदा करना सुनना महापाप की गिनती में। भगवान विष्णु ने शंकर जी की निंदा सुनी थी, इसलिए उनको घोड़े का मुंह लगा था, हयग्रीव अवतार हुआ था। नारद जी ने शंकर जी की निंदा करी थी, इसलिए बंदर का मुंह लगा था। शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा सुनने वाला, शिव भक्त की निंदा करने वाला सुनने वाला महापापी की गिनती में ना करें। भला किसी का कर ना सको तो, जम के बोलो जरा, बुरा किसी का मत करना। आप अच्छा नहीं कर सकते, कोई बात मत करो, पर बुरा तो ना करिए। अरे तुम क्या जानते हो, हम तो उनको अच्छे से पहचानते हैं, बहुत बेकार व्यक्ति। अच्छा तेरे साथ क्या बेकार करा वो बताओ, बहुत बेकार व्यक्ति। उनके पास तो इतनी गाड़ी आ गई, इतना बंगला आ गया, इतनी दौलत आ गई, इतना धन आ गया, इतनी सत्ता आ गई, गाड़ी घोड़ा दौलत सत्ता दिख रही है, पर उस व्यक्ति ने जो जमीन पैसे धक्के खा खा कर जो आगे बढ़ा, उसकी मेहनत किसी को नजर नहीं आती कि वो कहां तक पहुंचा, उसकी मेहनत दिखना चाहिए। कहां चक्कर में पड़े, क्यों? बहुत मिलेंगे तुमको शिव की निंदा करने वाले भी, हमें निंदा से मतलब नहीं,
हमें शिव की भक्ति से मतलब रखना है, हमें शंकर के गुणगान से मतलब रखना है, हमें शंकर के भजन से मतलब रखना है, इसके सिवा कुछ नहीं। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, शिव महापुराण की कथा में आप लाखों की संख्या में आए हो। आज कथा का चौथा दिन है, कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। धन है अगर झोली पसार कर आए हो ना, तो इतना सा अपने अंदर याद रखना कि हमें ना तो कभी शंकर की निंदा सुनना है और ना कभी हमें शंकर की निंदा करना है। हमसे बन जाएगा, हम लोटा भर जल चढ़। शिव की निंदा भी न करना। अभी कई लोग ऐसे होते हैं जो शंकर जी की एक कहीं ने हमें वीडियो भेज दी थी, उसने कहा कि लोग त्र्यंबकेश्वर के लिए भी कह दिया, उसकी भी गणना कि हम नहीं जानते त्र्यंबकेश्वर क्या, हम नहीं जानते शिवलिंग क्या। हम कहते हैं जो कहते हैं त्र्यंबक को नहीं जानते, शिवलिंग को नहीं जानते, हम तो ये कहते हैं वो अपने बाप की और माँ की औलादी नहीं है जो त्र्यंबक और शिवलिंग को नहीं पहचानते। त्र्यंबक को नहीं जानता। अरे भारत की भूमि पर ये 12 ज्योतिर्लिंग, जगत गुरु शंकराचार्य जी द्वारा निर्मित 4 पीठ, जहां पर जगत गुरु शंकराचार्य जी के प्रतिबिंब स्वरूप आज भी जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान है, ये 4 पीठ साधारण है को पहचानो। शिव निंदा से दूर रहिए, शंकर की निंदा से दूर। कहा तारकासुर का अंत हो, तब स्वयं भगवान शंकर का विवाह जगत जननी मां पार्वती से कराया गया और पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम षडानंद कार्तिकेय था। कार्तिकेय जी ने तारकासुर का तो संहार कर दिया, उसके हृदय में बाण न लगे क्योंकि शिव उसके हृदय में। पापी से पापी जीव, बेकार से बेकार व्यक्ति भी अगर शंकर की भक्ति करता है, शिव की भक्ति करता है, खाली नहीं जाता। आज इस व्यासपीठ से एक बात कहना चाहेंगे, कोई देर से बनता है, कोई जल्दी से बनता है, महादेव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। बोल बम का नारा है, शंकर को जल चढ़ाने वाला, शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ बनेगा, पक्का है, निश्चित है। कोई कहता है गुरुजी शिव महापुराण की कथा बहुत महंगी होती है, कितना महंगा टेंट लगता है, कितनी महंगी व्यवस्थाएं होती हैं, लोगों के भोजन की व्यवस्था करना पड़ती है, लाइट की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, जनरेटर की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं करना पड़ती है, कितनी महंगी होती होगी, कितने लाखों में जाती होगी, कितनी करोड़न में जाती होगी। हमारा भी मन होता है कि हम कथा करवाएं, हम इतना कहां से लाएंगे। हम उनसे कहते हैं कर्जा लेकर कभी कथा मत करना, इधर उधर से लेकर कभी कथा मत करना। कहना भोले बाबा से मैंने संकल्प लिया है कथा कराने का, पूरी तुझे करना है, भंडार तुझे लेकर आना है, मैं तो कथा कराना तुझे है, करना तुझे है, हम कौन निमित्त बनकर आनंद। आप ठेला चलाते हो, पान की दुकान चलाते हो, किराने का काम करते हो, कपड़े का काम करते हो, छोटा सा काम करते हो, नहीं है पैसे, हम आपसे नहीं कहते कि तुम कथा कराओ, पर इतना जरूर कहते हैं कि कथा के पंडाल में जब प्रणाम कर कर जाना तो झोली पसार कर उससे कह कर जाना, मन है एक बार कथा कराने का, कराएगा तू। अब मैं तो साधारण हूं, पहले भंडार भरेगा और कथा भी तू कराएगा। थोड़ा देर से बनता है, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो देता जरूर है, वो खाली नहीं छोड़ता, भरेगा, साधारण नहीं, सहज नहीं। जब वो देगा तो झोली भर कर देगा।
भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। तारकासुर के प्राण चले गए, उसके तीन पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। अब इन तीनों ने विचार करा कि पिता चले गए, बदला लेंगे तो मतलब कुछ नहीं, एक काम करते हैं, पहले अपन तपस्या करते हैं और तपस्या कर बल एकाग्रित करते हैं। बहुत जरूरी है, तप का जो बल होता है उसका फल जरूर मिलता है। तारकासुर के तीनों बेटों ने तप करना प्रारंभ करा, तप कर बल प्राप्त किया, वर प्राप्त किया। ब्रह्मा जी आए, मांगो क्या चाहिए, हमारे प्राण ना छूटे, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये नहीं हो सकता, अमर नहीं हो सकते, मरना तो पड़ेगा। अच्छे से सुन लेना मेरी नासिक की जीजी और मेरे जीजाओं, कितना भी ब्यूटी पार्लर में तैयार हो जाओ, ब्यूटी पार्लर वाले तुम्हारी उम्र कम नहीं कर सकते, करते हो तो हमको भी बता देना। कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पत्रिका देखने वाले ढेर मिलेंगे, कुंडली देखने वाले ढेर मिलेंगे, पर कर्म देखने वाला कोई नहीं मिलेगा, वो केवल महादेव देखता। कर्म कौन देखेगा? भाग्य कोई भी बता देगा, कोई भी कह देगा, तुम पूर्व समय में ये थे, तुम्हारे साथ ये हुआ, आगे तुम्हारे साथ ये होगा, तुम ऐसा कर रहे थे, तुम वैसा कर रहे थे, ये कोई भी बता देगा। पर कर्म देखने वाला, हमारे कर्म को लिखने वाला, हमारा जीवन हमें कैसा बनाना है ये कोई दूसरा नहीं बनाएगा, इसको हमें खुद को बनाना है, स्वयं को, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारकासुर के तीनों बेटों ने वर मांग लिया ब्रह्मा जी से, हमें वर दो हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये कभी नहीं हो सकता, मरना तो पड़ेगा, तो वर दीजिए, हम तीन के लिए तीन पुरी का निर्माण कर दो जिस नगर में हम रहें। सोना चांदी और लोहे की तीन नगर बसाए गए जिसमें वो रहने को तैयार हुए। हम तीनों तब मरे जब तीनों पुरियां एक साथ एक बाण से, एक तीर से या एक शस्त्र से भेदित हो जाए। हम तीनों मरे तो एक साथ मरे, ब्रह्मा जी ने तथास्तु कर दिया। तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचा दिया, बहुत उपद्रव। अब करे क्या, सारे देवता एकाग्रित होकर भगवान शिव जी के पास में गए। बाबा बाबा, बाबा ने कहा क्या बात है, इन तीनों को मारना है। शंकर भगवान बोले मैं इनको नहीं मार सकता, मैं मार ही नहीं सकता। कारण तारकासुर का नियम था शंकर जी के शिवलिंग की पूजन करना, उनकी आराधना करना। रावण का जैसे नियम था शिव जी की आराधना करना, कंस का जैसे नियम था शिव की आराधना करना, इंद्र का नियम था शिव की आराधना करना, जितने देवता 33 कोटि शंकर की आराधना करते हैं, जितने असुर राक्षस संसार के शिव की आराधना करते हैं, उसी तरह तारकासुर के तीन बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, ये तीनों अपनी अपनी नगरी में, सोने की नगरी में, चांदी की नगरी में, लोहे की नगरी में, अपने अपनी पुरी में, अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर में शंकर की आराधना करते, पाप ही नहीं करते। क्या करते हैं तीनों, पुण्य एकाग्रित करते हैं, और पुण्य एकाग्रित कर बाद में थोड़ा सा पाप करते हैं, फिर पुण्य कमा देते हैं, फिर
बड़े घबरा से गए। देवताओं ने कहा करें क्या, शंकर भगवान ने कहा जब तक इनके पाप की गठरिया नहीं भराएगी तब तक ये मरने वाले नहीं है, करते चलो। इन तीनों ने विकार कर्म करा ही नहीं तो मारूं क्यों। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान गुस्सा बहुत करते हैं। शिव जी गुस्सा करते हैं? कई लोग कहते हैं भगवान शंकर क्रोध बहुत करते हैं, रुद्र हैं। आपसे पूछें बेमतलब का गुस्सा आपको आता है क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। बेमतलब का गुस्सा आपको आता है? जब बेमतलब का क्रोध आपको नहीं आता तो महादेव को क्यों आएगा? भगवान शंकर क्रोध किसको करते हैं? जो गौ माता को त्राण देता है, जो माता पिता का आदर ना करकर उनको अपमान करता है। शंकर भगवान क्रोध किस पर करते हैं? एक कन्या पर, छोटी सी बच्ची पर जो गलत दृष्टि से देख रहा हो, पर नारी को, पर स्त्री को जो गलत विचार से देख रहा हो, छू रहा हो, शंकर भगवान फिर उसको छोड़ते नहीं है, उसको बर्बाद कर कर ही रखते। शिव क्रोध करते हैं, हम कहते हैं शंकर ऐसे क्रोध नहीं करते। शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। क्या नाम है? आशुतोष। आशुतोष का मतलब क्या होता है? सहज सरल, जो मांगो दे देता है। एक लोटा जल नहीं है, तीन बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, उतने में राजी होकर वर प्रदान कर कर चले जाता है। वो देवाधिदेव महादेव, उसका नाम ही आशुतोष है। वो शिव है, वो घड़ी है। भजन कर। अब ब्रह्मा जी ने एक सीख इंद्र को दे दी। इंद्र से कहा, इंद्र तारकासुर के इन तीन बेटों को अगर तुझे मरवाना है और ये थोड़े समय पाप करते हैं पर पुण्य कर कर सब धो देते हैं, तो अगर इनको मरवाना है तो तू इनसे पाप करवा। अब इसने पाप करवाना क्या प्रारंभ करा कि जहां शंकर जी के प्रति इनके अंदर पाप की उत्पत्ति करा दे। पाप की उत्पत्ति कैसे? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अगर शंकर के मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, नहीं जा रहे कोई बात नहीं, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ा रहे कोई बात नहीं, शंकर की कथा नहीं सुन रहे कोई बात नहीं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कभी भी अपने मुख से शिव की निंदा करना बंद कर दो, बस इतना भी कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो। शिव महापुराण की निंदा ना करें, शंकर की निंदा ना करें, शिव भक्त की निंदा ना करें। शंकर का कोई अविरल भक्त हो उसके लिए कभी अपशब्द ना कहें, समझे दुनिया को दे देता है और लोग उसकी निंदा में लग जाएं। शिव भोला है, भोले की कभी निंदा ना करे। अपने घर में कोई कोई व्यक्ति तसीधा सरल होता है, बहुत सहज होता है, उसकी निंदा ना करे, उसके लिए अपशब्द ना, उसके लिए कभी आड़ा टेढ़ा ना करे, कभी ना, सहज रही निंदा। तारकासुर के तीनों बेटों ने जो निंदा करना प्रारंभ करा, तारकासुर के तीनों पुत्रों ने जैसे ही भगवान शिव की इंद्र के कहे अनुसार निंदा करना प्रारंभ, जो निंदा करा, बस शंकर भगवान की निंदा करी, पाप का घड़ा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। समय आया, भगवान शंकर तीनों को मारना चाहते थे पर ब्रह्मा जी ने कहा जब तक इन तीनों की पूरी, सोने की पूरी, चांदी की पूरी, लोहे की पूरी, ये तीन पुरियां जो बनी हुई हैं, ये तीन पुरी अगर एक बाण से छेदित कर दी जाए, एक शस्त्र से छेदित कर दी जाए और ये तीन पुरियां एक साथ भस्म हो जाए, तब जाकर ये तारकासुर के तीन पुत्र मरे, तब जा तीन पुरियां समाप्त करना। कैसे समाप्त हो? देवाधिदेव महादेव ने शस्त्र छोड़ा,
सोने की पुरी में से निकलकर चांदी की पुरी में से होते हुए वो लोहे की पुरी की ओर चले गए। आप लोगों ने कभी सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना वो हमको नहीं मालूम, पर शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि सोने का जो डब्बा होता है, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग तो आपके स्मरण में आ जाएगा, जिस डब्बी में आप सोने की अंगूठी रखते हो, जिस डब्बी में आप सोने की लौंग रखते हो, जिस डब्बी में सोने का कोई सामान रखते हो, उसमें चांदी नहीं रखी जाती। किस किस ने सुन रखा है, कभी सुना होगा, आप लोगों के स्मरण में होगा कि सोने की जो डब्बी होती है उसमें चांदी नहीं रखते, मतलब चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता, सोने के साथ चांदी नहीं रखी जाती, चांदी के साथ सोना नहीं रखा जाता। अगर किसी ने सुना होगा, आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना, जरा हाथ उठाओ, जरा सुना है ना सब। अब वो प्रसंग जो हमारी आप लोगों की दादी सास कहती थी, सास कहती थी, आपके बुजुर्ग कहते थे कि सोने के साथ चांदी मत रखो, चांदी के साथ सोना मत रखो, कभी उसका प्रसंग अपने दिमाग में लिया कि ये प्रसंग कहां से आया? तो ये प्रसंग अगर कोई तुमसे पूछे तो आप उत्तर दे सकते हो। तार का सुर के तीन पुत्र की तीन पुरियां सोना चांदी और लोहे की थी। इन तीन पुरियों को भगवान शंकर ने भस्म किया, अर्थात जिस डब्बी में सोना रखाता है और जिस डब्बी में उसी में चांदी रख दी जाती है, और स्त्री या पुरुष उस सोने को अपने शरीर पर धारण करता है या उस चांदी को अपने शरीर पर धारण करता है, उसकी आयु क्षीण होती चली जाती है। कई लोग कहते हैं इनकी तो उम्र अच्छी थी फिर ऐसा क्यों हुआ, जरूर सोने की डब्बी में चांदी अगर रखी गई है तो उसमें उस चांदी की चीज को महिला ने अपने पैर में पहन लिया, बिछुड़ी पहन ली, अंगूठी चांदी की पहन ली, उसमें सोना भी था, वो सोना पति ने पहन लिया, तो उसमें आयु की क्षीणता हो। डब्बी खाली है उसमें सोना रखा है, मना नहीं, डब्बी खाली है उसमें चांदी रखी है, मना नहीं, पर दोनों चीज एक साथ अगर रखी है तो हमारे शास्त्र वर्णन नहीं करता उसका। पांव की बिच्छूड़ी है सोने की अंगूठी के साथ रख दी, ये हमारे यहां शास्त्र वर्णन नहीं करता, उसका अलग करता है। आयु की क्षणता। आप कहा मन में आ गया, शिव जी ने साध कर बाण छोड़ दिया, तीन पुरियों को भगवान भोलेनाथ ने भस्म कर दिया, तीन पुरी। अब तीन पुरी एक साथ भस्म हो गई, तीन पुरी को भस्म करा इसलिए भगवान शंकर का नाम जम के बोलो त्रिपुरारी हो गया। क्या नाम पड़ा? तीन पुरियां तो भस्म हो गई पर ये तीन असुर अभी हारे नहीं है। आक्रमण करा देवाधिदेव महादेव ने भी देवताओं से कहा तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं, तुम सब पशु बनो मैं पति बनता हूं। शंकर भगवान पति बनकर, पति का मतलब होता है भरण पोषण करने वाला, पति का मतलब होता है संभालने वाला, पति का मतलब होता है रक्षा करने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे साथ संग रहने वाला, पति का मतलब होता है तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, उसको पति कहते हैं। शिव जी का नाम पशुपतिनाथ हुआ। बड़े नंदी का रूप लेकर 33 कोटि देवताओं को छोटा पशु बनाकर भगाया। शंकर भगवान ने तीनों असुरों को एक साथ इकट्ठा करा, तारकाक्ष विदुम्माली कमलाक्ष इकट्ठे हुए, शिव जी ने अपने बड़े नुकीले सींग से तारकाक्ष विदुम्माली को जैसे ही मारा, कमलाक्ष की पीछे से निकलकर फरसा उठाकर शंकर जी का सिर काट दिया, शिव जी का सिर कटा। कटते से ही भगवान शंकर का सिर सीधे नेपाल में गया तो डोलेश्वर महादेव पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हो गया। बोल पशुपति नाथ भगवान की। धड़ पत्थर में नीचे दब गया, दबा
शिव जी ने सोचा ये आज नहीं मरे तो फिर नहीं मरेंगे। शंकर भगवान तुरंत अपने असली स्वरूप में आए, त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष विदुम माली और कमलाक्ष की को पीछे से भगवान शंकर ने मार दिया। तीनों असुर समाप्त हो गए, जय जयकार हो गई। शंकर भगवान ने तारकासुर के तीन पुत्रों को मारते समय शिव जी के दो नाम प्रकट हो गए, एक त्रिपुरारी और दूसरा पशुपति। एक त्रिपुरारी नाम हुआ, एक पशुपति नाथ नाम हुआ। देवता प्रसन्नचित हो गए, आनंदित हो गए। प्रसन्नचित होकर देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ करी, घी के दिए जलाए, पवित्र नदियां, मावड़ी तालाब, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बट का वृक्ष, सुंदर सुंदर वृक्षों के नीचे जाकर दीप प्रज्वलित करना प्रारंभ करा। लक्ष्मी ऊपर से निहार रही थी। भगवान देव अधिदेव महादेव पशुपति नाथ त्रिपुरारी शंकर भगवान ने लक्ष्मी को बुलाया। बड़ी सुंदर सेविका है मां लक्ष्मी, भगवान नारद शंकर की बड़ी आराधना करती, बहुत आराधना। शिव जी ने कहा लक्ष्मी तुम ऊपर से निहार रही हो, बात क्या है? लक्ष्मी जी कहती हैं नारायण की आज्ञा नहीं, अभी मैं दीप पर्व पर नीचे गई थी मृत्यु लोक में, पर इस पर्व पर नहीं आ सकती। देव अधिदेव महादेव ने कहा सुनो लक्ष्मी, दीपावली के दिन संसार के मनुष्य दीप लगाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। जिस दिन मैंने त्रिपुरासुर का संहार करा, त्रिपुरारी बना, आज सारे देवताओं ने दिवाली मनाई है। सुनो लक्ष्मी, जिसके दरवाजे पर दीप प्रज्वलित हो उसी दरवाजे के पांच दीप वृक्ष के नीचे, तालाब बावड़ी नदी कुआं के स्थान पर, किसी शिव मंदिर की चौखट पर, अपने घर के बाहर के चौक पर, तुलसी के क्यारे पर, जिसके द्वार से ये पांच दीप निकल कर जाएं, लक्ष्मी तो देव दीपावली के दिन उनके घर में प्रवेश करना तो वर्ष भर निकल कर बाहर मत जाना, साल भर निकल कर बाहर मत जाना। दीपावली के दिन जितना लक्ष्मी का प्रभाव है उससे हजार गुना जाना प्रभाव लक्ष्मी जी का देव दीपावली के दिन होता है। देव दीपावली बहुत प्रभाव। जितना आप कर सकते हो देव दीपावली के दिन प्रयास करो। एक पान के पत्ते पर भी अगर तुमने एक बूंद शहद का भी भोग लगाया लक्ष्मी को उसका फल मिलता, एक फूल के ऊपर भी शहद का भाग लगकर ये शंकर को चढ़ाया तो उसका फल मिलता है। महाराज सात दीप परिंडे के पास, अंडे के पास, मटके के पास लगाए हैं, सात पुष्प रखकर उसका भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन पंच दीप का भी फल मिलता है। देव दीपावली के दिन भूल से भी एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर, कोई कुंवारा व्यक्ति जिसकी शादी नहीं हो रही, 40 साल का हो गया, ब्याह नहीं हो रहा, संबंध नहीं आ रहा है, बेटा बेटी, एक बेलपत्र जिसकी जिस बेलपत्र की नोक डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर हो और पत्ती का मुंह महादेव की ओर हो, अशोक सुंदरी की जगह पर अगर समर्पित कर दे तो अगले वर्ष की देव दीपावली के पहले उसका संबंध और शादी हो जाती। महाराज शिव तत्व की इतनी प्राप्त। देव दीपावली कोई साधारण दीपावली है? जीव के कल्याण के लिए भगवान त्रिपुरारी बनकर प्रकट हुए। समय आया, आगे वर्णन आता है, भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है।